अगर आप अपनी डाइट में एक ऐसे स्वीटनर की तलाश में हैं जो स्वाद होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, आपके वेट को मेंटेन करने में मदद करे और साथ ही साथ आपको सारा दिन के लिए एनर्जी दे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी और वो है खजूर। खजूर के बनाए हुए शहद में मधुमक्खियों के बनाए हुए शहद से लगभग 2 गुना ज्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। इतना ही नहीं पर मधुमक्खियों से बनाए हुए शहद के मुकाबले इसमें 10 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। हम 1 कप खजूर ले रहे हैं जिसे हम 1 कप पानी में भिगोकर ओवरनाइट रखेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो इसे 2 घंटे गर्म पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। 1 चम्मच की मदद से अब भीगे हुए खजूर को हम मैश कर लेंगे। अगर आप सीडलेस खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम एक साफ बर्तन लेंगे और एक कपड़े की मदद से ये मैश किया हुआ खजूर उसमें डाल लेंगे और इसको हल्के हाथ से निचोड़ लेंगे। अब हम मीडियम टू लो सेक पर एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें तैयार किया हुआ सिरप डाल लेंगे। इस सिरप को हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता। ये शहद हो गया है तैयार। इस शहद को आप मधुमक्खियों के बनाए हुए शहद की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर से बनाए हुए शहद में जो नेचुरल शुगर्स हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम से नहीं बढ़ाता, जिसकी वजह से ये डायबिटिक लोगों के लिए भी एक सेफ ऑप्शन है। आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।